क्लोन कर ईकेवाईसी के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक पहचान की चोरी कर बैंक खाते से राशि निकालने वाले गिरोह का पता लगाने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि 8 किसानों द्वारा बैंक खाते से अवैध निकासी की शिकायत पर नालंदा साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से नगद राशि और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मिल जाएगा जो बरामदगी है मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। नगद 7,25,000 रुपये बरामद हुए हैं। मोबाइल 24 मोबाइल बरामद हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। लैपटॉप 3, फ्लैश एंड पॉलीमर स्टैम्प एक्सपोजर मशीन 1 है जो फिंगरप्रिंट को क्लोन करता है ये, और रबड़ जैसे मटेरियल पर बनाया हुआ फिंगरप्रिंट 713 ये है, ठीक है। और मंत्र फिंगरप्रिंट डिवाइस है 3, ATM कार्ड 11, फिनो पेमेंट बैंक का किट 10, सिम कार्ड 62 सिम कार्ड मिले हैं इस तरह के, और ये सब वेस्ट बंगाल के सिम हैं। सैंडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव 1, प्रिंटर 3, इंटरनेट राउटर 2, नोटबुक 26 नोटबुक जिसमें इन्होंने पूरी अपनी डिटेल्स लिख रखी हैं।